के फंडामेंटल्स में क्लास का तो ऑलरेडी सिंटेक्स पता है आपको। क्लास को डिफाइन करने के लिए क्या लिखते हैं, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, उसकी बॉडी स्टार्ट होती है, उसके बाद फील्ड और मेथड्स। फील्ड और मेथड मतलब डेटा टाइप्स और मेंबर फंक्शंस। डेटा टाइप्स मतलब जो आपके वेरिएबल्स हो गए, मेथड और डेटा मेंबर मतलब जो आपके फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लास का एक एग्जांपल बताता हूँ, जहाँ पे मेन फंक्शन जो है आपका प्रोग्राम का वो विद इन द क्लास, क्लास के अंदर है। ठीक है, दो तरह का होता है, विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास। तो एक क्लास बनाया यहाँ पे, क्लास स्टूडेंट, इसमें कमेंट करके लिखा हुआ भी है। डिफाइन कर रहे हैं फील्ड्स को नीचे, तो फील्ड में क्या आ गया, इंटीजर टाइप का एक हमने ले लिया आईडी, स्टूडेंट है तो उसकी आईडी होगी, आईडी ले लिया। उसका नाम होगा तो एक स्ट्रिंग टाइप ले लिया, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, और एक से ज़्यादा कैरेक्टर मिल के नाम होता है, इसलिए स्ट्रिंग टाइप का। देन आईडी और नाम दो चीज़ें ले लिया हमने फील्ड्स में। अब हम डिफाइन करेंगे मेन मेथड। ठीक है, अब मेन मेथड में क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और जो भी आप एरे का नाम देना चाहते हो, यह हो गया। देन क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस भी बोलते हैं। वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, जो आप ऑब्जेक्ट का नाम बनाना चाहते हो, एस वन बना दिया आप, इक्वल टू एक कीवर्ड होता है न्यू कीवर्ड। तो आप जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके लिए न्यू कीवर्ड लगाना पड़ता है, न्यू स्पेस जो आपका क्लास का नाम है उसी नाम से एक फंक्शन बनाओगे आप, स्टूडेंट। तो ये हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट का आईडी और नाम। कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस वन, एस वन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है एस वन, जो रेफर करा रहा है हमें ये इस क्लास को, क्योंकि स्टूडेंट नाम से बनाया ना एस वन, तो इस क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ये फील्ड्स या मेंबर्स, उसको यहाँ से हम रेफर कर सकते हैं। तो एस वन यानी कि इस क्लास के अंदर जाओ और जहाँ आईडी है उसको प्रिंट करेंगे, आईडी, आईडी पे गए, इसकी जो वैल्यू होगी उसको हम एक्सेस कर लेंगे। इसी तरीके से एस वन डॉट नेम। तो ये है कि इसमें दो चीज़ें मेन है, क्या मेन फंक्शन आपका क्लास के अंदर हो रहा है, आप क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा ये इसमें हम सीख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये दो चीज़ें। अब मेन फंक्शन दूसरा एग्जांपल है, सेम एग्जांपल, बट जो मेन फंक्शन है वो क्लास के बाहर है, वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है, एक क्लास का नाम स्टूडेंट, आईडी ले लिया इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का नाम, क्लास आपका यहीं ख़त्म हो रहा है। देखिए ये देखिए, इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है क्लास, ये स्टूडेंट यहाँ क्लोज हो गया। तो अब मेन फंक्शन के बिना तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आपका कंपाइलर, आप रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम को, जब कंपाइल होगा आपका प्रोग्राम, तो मेन फंक्शन को ढूंढेगा कि मेन फंक्शन कहाँ पे है। तो इसलिए मेन फंक्शन अगर मेन आपके क्लास के अंदर नहीं है तो बाहर एक डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे, टेस्ट स्टूडेंट वन, कुछ भी आप नाम दे दो यहाँ पर। फिर आप मेन फंक्शन आप बनाओगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, जो भी चीज़ें हैं, और पहले वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको आप एक्सेस कर लोगे। ठीक है, ये दो तरीके के होंगे कि विद इन द क्लास और आउटसाइड द क्लास मेन फंक्शन, मेन मेथड को कैसे डिक्लेयर करते हैं। सर इसमें ऐसे मतलब जैसे सी प्लस प्लस में होता था कि मेन फंक्शन बाहर है, क्लासेस से बाहर है, तो ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते जावा में? नहीं, जावा में, जावा में ये कि आपको प्रोग्रामिंग क्लास से स्टार्ट होना है। ओके सर, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, थ्री वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ हमने यहाँ पे बनाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के तीन तरीके हैं, बाय रेफरेंस वेरिएबल, बाय मेथड एंड बाय कंस्ट्रक्टर। बाय रेफरेंस, ठीक है, बाय रेफरेंस कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट को, सेम प्रोग्राम ले रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सेकेंड वाला केस था कि मेन मेथड बाहर था क्लास के, वो है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया एस वन न्यू स्टूडेंट, ये हमने एस वन ऑब्जेक्ट बना दिया। इनिशियलाइज करने का क्या मतलब है कि उसकी वैल्यू को हमें इनिशियलाइज डालनी है, वैल्यू को इनिशियल वैल्यू डालनी है, इनिशियलाइज करनी है।
तो s1.id, आईडी यहाँ बना हुआ है लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सेस किया इस आईडी मेमोरी लोकेशन को और कर दिया इसकी वैल्यू डाल दिया 101। इसी तरीके नाम में डाल दिया ये, और प्रिंट करना तो सिंपली फिर वही चीज़ें होंगी s1 के थ्रू, s1.id, s1.name। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना थ्रू रेफरेंस, रेफरेंस दिया एस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ प्रिंट कर दिया। दूसरा क्या है, मेथड, वहाँ रेफरेंस से किया। अब दूसरा केस हो सकता है कि मेथड का यूज करके कैसे इनिशियलाइज किया जा सकता है आपके ऑब्जेक्ट को। तो ये एक क्लास है स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे इस क्लास के अंदर आइए जहाँ पे आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन यहाँ पर आ गया, इसमें दो ऑब्जेक्ट बनाया s1 s2। अब उसमें क्या था, डायरेक्टली वैल्यू को हमने रेफरेंस देके कर दिया था इनिशियलाइज, लेकिन यहाँ पे क्या करना, मेथड के थ्रू, मेथड मतलब एक फंक्शन। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड, इंसर्ट रिकॉर्ड एक फंक्शन है जिसके अंदर दोनों चीज़ें आ गई, रोल नंबर और नेम। तो इसी तरीके से सेम फंक्शन को यहाँ पे हमने लिख लिया, लेकिन इसको रेफरेंस चाहिए, एक्सेस कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो s1 डॉट फिर फंक्शन का नाम इंसर्ट रिकॉर्ड। अब पहला इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यू डाल दिया, दूसरा स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में होता है ये, तो यहाँ नाम डाल दिया डबल को। तो जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को हमें इंसर्ट करना है हम कर सकते हैं, और बाद में डिस्प्ले करना है तो s1.display information, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट, हम कर रहे हैं मेथड के थ्रू। तो ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन एक मेथड है जो मेन क्लास में आपको दिखेगा, ये देखिए डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, जो क्या जिसका काम हमने क्या दिया हुआ कि रोल नंबर और नाम को प्रिंट कर दें। तो जैसे यहाँ से इसको कॉल किया तो उसका काम है रोल नंबर और नाम को प्रिंट करना। तीसरा जो कंस्ट्रक्टर है वो बाद में देखेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे होगा। ये तो एग्जांपल, अगर आपको अलग से समझना है इसमें समझ सकते हैं, वैसे दो तीन एग्जांपल दिया उसमें वो काफी है समझने के लिए कि क्लास में ऑब्जेक्ट का यूज कैसे होता है।